हमारे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए आज से नहीं बल्कि कई सालों से कवायदे जारी हैं। इन्हीं में से एक वृहद कोशिश हुई साल 1995 में शुरू, जिसको नाम दिया गया कोप का। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये कोप क्या है। कोप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसका पहला सम्मेलन मार्च 1995 में बर्लिन में आयोजित हुआ। भारत भी इसका सदस्य है। साल 2022 में 27वां कोप सम्मेलन है, जिसे कोप 27 का नाम दिया गया है। ये जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के ढांचे यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में शामिल सदस्यों का सम्मेलन है। वैसे UNFCCC एक वैश्विक समझौता है, जिस पर साल 1992 में हस्ताक्षर किए गए थे। अभी तक इस समझौते पर 197 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। इसका गठन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को स्थिर करने और धरती को जलवायु परिवर्तन के खतरे से बचाने की खातिर किया गया। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में जलवायु परिवर्तन से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा होती है। इसका उद्देश्य जलवायु आपदा की तरफ ध्यान दिलाना और जलवायु परिवर्तन रोकने की दिशा में प्रयासों को बढ़ावा देना है। अब चलिए आपको बताते हैं कोप 27 में कौन शामिल हो सकता है। तो इसमें विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा मीडिया सदस्य और पर्यवेक्षक संगठनों के प्रतिनिधि भी हिस्सा बन सकते हैं। भारत के लिए क्लाइमेट फाइनेंस अहम मुद्दा रहा है। 21वीं सदी में जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। ऐसे में हिंदुस्तान का मकसद वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कंट्रोल करना है। आपको बता दें कि विकसित देशों ने टॉप कार्बन उत्सर्जक 20 देशों की लिस्ट तैयार की है। इन टॉप 20 उत्सर्जक देशों की लिस्ट में भारत समेत कई विकासशील देश शामिल हैं, जिन्हें ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। इन देशों में चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और भूटान जैसे देश शामिल हैं। वर्तमान में भारत सरकार का मानना है कि वो विकासशील देशों के लिए वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की मांग विकसित देशों से करेगी, जिससे विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में सहायता मिल सके। यही नहीं, विकसित देशों से चाहे वो अनुदान हो, ऋण हो या सब्सिडी जैसी सार्वजनिक और निजी फाइनेंस, इनको अलग करने को लेकर स्पष्टीकरण मांगना भी भारत की प्राथमिकता में शुमार है। वैसे आपको ये भी बता दें कि 6 से 18 नवंबर 2022 के बीच इजिप्ट में आयोजित कोप 27 शिखर सम्मेलन का मकसद जहां प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने पर है, तो वहीं इसके प्रायोजकों में से एक है कोका कोला कंपनी भी। लेकिन कंपनी को लेकर ही ये कहा जा रहा है कि वो ही सबसे ज्यादा प्लास्टिक का प्रदूषण धरती पर फैला रही है। टीम जी हिंदुस्तान डिजिटल।